इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चलें, निजीकरण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को, बोले बीजेपी सरकार और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत और अन्याय फैला रही है। आज इस देश में युवा को चाह करके भी रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार में देश के सारे पीएससी उसको यहां पर बेचा जा रहा है। सभी सरकारी कंपनियों को एक एक करके निजीकरण यहां पर उनका किया जा रहा है। ये यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने निजीकरण का मुद्दा उठाया है और जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। बड़ी अपडेट आ रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजों पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आज यहां पर मामले पर सुनवाई करेगी। बताते चलें, पिछले हफ्ते इंडिया गठबंधन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यहां पर निर्देश मांगे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले कि बीजेपी ने यहां पर जो बेईमानी की है मेयर के चुनाव में, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी तो प्रदर्शन भी कर रही है और जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर वोट चोरी का आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और अब पूरा मामला पहुंच गया है सीजीआई की बेंच में। इस मुद्दे पर कोई यहां पर निर्णायक फैसला भी सामने निकल के आ सकता है दोस्तों। जो भी अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट का, जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो बड़ी अपडेट आ रही है बताते चलें, बिहार की राजनीति में लगातार हलचल जारी है। फ्लोर टेस्ट से पहले ही गरमाई है बिहार की सियासत। कांग्रेस के सभी 16 विधायक पहुंचे हैं हैदराबाद। जी हां दोस्तों, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने सभी को हैदराबाद भेज दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि बिहार के विधायक यहां पर हैदराबाद पहुंच गए हैं। 12 फरवरी को यहां पर बिहार के अंदर फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले ही बीजेपी किसी भी विधायक को तोड़ ना पाए, इसके लिए सभी विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया गया है। बताते चलें, आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा यहां पर खेला होकर के रहेगा बिहार के अंदर। ये यहां पर आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है दोस्तों लगातार। और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वे यहां पर दो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अब तक यहां पर हुआ नहीं है, जिसके कारण वे भी नाराज बताए जा रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, बेहद ही बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, इंडिया गठबंधन के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने दिया ऐसा बयान कि मचा हड़कंप। उद्धव ठाकरे ने किया है ट्वीट, बोले मोदी जी हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, हम हमेशा आपके साथ थे, आपने हमें भगा दिया। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने दोस्तों ट्वीट किया है, जिसके बाद काफी तरह की यहां पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बयान और इसकी टाइमिंग पर कई सवाल यहां पर अब उठ रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे भी कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पूरी तरह से मोर्चा ही खोल दिया है। बताते चले आप लोगों को, सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बयान दे दिया है कि बीजेपी के नेताओं की नींद ही उड़ गई है। जी हां दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जगह बैलेट पेपर से हो जाए तो नरेंद्र मोदी
वाराणसी तो क्या, वडनगर से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों बेहद ही बड़ा बयान जारी किया है। आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर ही बताइएगा, हाँ या ना। मैं इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, एबीपीसी वोटर सर्वे के विशेषज्ञों ने कहा कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है 24 के चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटा करके बड़ी गलती कर दी है। ये यहां पर चुनावी विशेषज्ञों ने बात कही है। उसे 2019 की अपनी 12 सीटों को दोहराने की कड़ी चुनौती का यहां पर सामना करना पड़ेगा। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी। यहां पर झारखंड के अंदर ये बीजेपी ने बेहद ही बड़ी गलती कर दी है, ये यहां पर सर्वे में बात सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों कन्हैया कुमार केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमलावर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बताते चले, कन्हैया कुमार बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, समाज के लोगों को आपस में लड़ाया जाए और उनके बीच में खाई पैदा कर दी जाए, इसी दम पर बीजेपी चुनाव जीतती है। ये यहाँ पर कन्हैया कुमार ने बयान जारी किया है दोस्तों, और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान जारी किया है, बोले बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को टारगेट करके सत्ता से हटाओ। लोकसभा चुनाव में विपक्ष प्रचार ही ना कर पाए, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यही सवाल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी उठाया था। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, भारी विरोध प्रदर्शन के चलते लद्दाख बंद। लद्दाख में राज्य के दर्जे को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के राज्य का दर्जा किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है, इसके चलते पूरे लद्दाख में बंद जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिली है और बीजेपी सरकार के खिलाफ में यहां पर गुस्सा लोगों का फूट रहा है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चलें, शिंदे गुट के नेता पर फायरिंग से गरमाई है महाराष्ट्र की सियासत। एनसीपी कांग्रेस ने मांगा है फडणवीस का इस्तीफा। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक के द्वारा शिंदे गुट के नेता पर हुई फायरिंग के मामले में विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। राज्य के गृह मंत्री होने के चलते डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और अब विधानसभा में होगा पेश सरकार के द्वारा। ये यहां पर दोस्तों उत्तराखंड से बेहद ही बड़ी अपडेट आई। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।